दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाती हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत के बैकबोन से दो अंग हैं, जिससे आप दवा लेते हैं और चाट लेते हैं तो आपकी किस्मत वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, चाणक्य जी ने औरत के इन दो अंगों को बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र बताया है। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन दो अंगों को चाट लेता है या दवा लेता है तो वह व्यक्ति अमीर बन जाता है। दोस्तों, चाणक्य जी ने औरत के इन दो अंगों को लेकर अपनी चाणक्य नीति में भी किया है, जिन्हें चाटने या दबाने के लिए मर्द हमेशा त्रस्त रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि औरत के बैकबोन से अंग हैं, जिन्हें स्पर्श मात्र से पुरुष की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पर महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि शादीशुदा स्त्री के नाक के ऊपरी बाल ऐसा बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, जिसमें महालक्ष्मी विराजमान होती है। इसीलिए जिस घर में स्त्री का नाक नीचे होती है अर्थात उसकी बेइज्जती की जाती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि जो भी शादीशुदा पुरुष इसने के समय अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी बाल हिस्से को दबाता है तो उसकी जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि शादीशुदा स्त्री के नाक के पीछे बाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, उसमें कुबेर जी और महालक्ष्मी जी की कृपा हमेशा होती है। दोस्तों, जो भी पुरुष इसने के समय उस कान के पीछे बाले हिस्से को चाट लेता है या स्पर्श कर लेता है तो उसकी किस्मत वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है, उसके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थे पे अंग जिन्हें शादीशुदा पुरुष को अवश्य स्पर्श करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर महालक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उस घर में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं।